वहीं नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। डेरा बाबा नानक पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां से पुलिस ने 1.5 किलो हेरोइन बरामद की। डेरा बाबा नानक पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस को सूचना थी कि पखौके गांव में महमरों के खेतों की तरफ एक ड्रोन की आवाज सुनाई दी है, जिसके बाद पुलिस ने खेतों में तलाशी ली। तलाशी के दौरान उन्हें मौके से करीब 1.5 किलो हेरोइन बरामद हुई है। तो डेरा बाबा नानक में 1.5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। भारत पाक सीमा से ये हेरोइन बरामद की है। आपको बता दें कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की सप्लाई हो रही थी, और इसी के चलते पुलिस को जैसे ही इसकी भनक लगी, पुलिस खेतों में पहुंची, छानबीन शुरू की, तो वहां से 1.5 किलो हेरोइन बरामद की गई। मैं समेत अपनी पुलिस पार्टी बाहर गए थे, रेड के संबंध में खड़ा से अपने फाटक के कोल। उत्थे मुखबर खान ने सलाह दी कि कुछ दिन पहलों, करीब महीना पहलों, ड्रोन की आवाज़ मैं सुनी सी। तो मैं ऐ जापता कि सरबजीत कौर के खेतों में पखो के मैमरे कोई वजनदार चीज़ सुटी सी। तो हूँ भी उत्थे जाके खेत झोने के सर्च की जाए तो उतों हैरान ज कोई होर नशीली चीज़ मिल सकती है। तो मैं पुलिस पार्टी समेत अपना लैके उतों सरबजीत कौर के खेत में सर्च की, जिद एक मोमी लिफाफे वजनदार चीज़ मिली, जिन्होंने एक कौटी लोहे की लगी हुई सी। उन्होंने आप समेत लिफाफा वजन किया, जिरा वजन 1 किलो 700 ग्राम होया। जो लिफाफे बच्चों क्ड के वजन किया बिना लिफाफिया, तो वह वजन 1 किलो 500 ग्राम होया, जिन्हों में परचा दे के इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हरजिंदर सिंह जुड़ गए हैं डेरा बाबा नानक से, संवाददाता। हरजिंदर, भारत पाक सीमा से जिस तरह से लगातार तस्करी की जा रही है, आज भी यही तस्वीरें जो है सामने आई हैं, 1.5 किलो हेरोइन बरामद की गई है, क्या जानकारी? ये जो किसान था पखो में हमारा जो गाँव है, ये डेरा बाबा नानक से 1 किलोमीटर दूरी पे है। ये बॉर्डर बेल्ट होने के कारण कई बार इधर गांव से जो काफी हथियार भी पकड़े गए और नशे खेप आम चलती है इधर। यदि इस पक्के मेहमानों की बात की जाए तो जगदीश नामी व्यक्ति जो था वो दान का जो भूसा होता उसमें किसी छपाका रखा था। जब वो दान के भूसे को खिलाने के लिए गया तो वहां उससे एक पैकेट मिला था, तो उसने उसी समय उस पैकेट को अपनी जानकारी जो थाना डेरा बाबा नानक उसको बताया, तो पुलिस मौके पर वहां पर पहुंचे। तो वहां मौके पहुंच के उन्होंने ये पैकेट बरामद किया। जब पैसा तो उससे बात हुई, उन्होंने बताया कि हमें मुखबर से मिली जानकारी के अनुसार हम वहां गए थे, तो वहां जाकर जब देखा तो वहां जो पैकेट पड़ा था वो हमने पैकेट बरामद कर लिया। जो आगे कार्य वो अभी जारी है। ये नशे की बात की जाए, ये बॉर्डर बेल्ट होने के कारण कुछ भी वो भी बॉर्डर के साथ ही है, वो जो गांव हरुआ था और तुलिया पगठाना तुलिया गांव था, वहां से भी पकड़ी गई थी। पहले भी कई बार बेल्ट जितने से भी बॉर्डर के पास ही है, डेरा बाबा नानक कलानो साइड जो है बॉर्डर पर सभी गांव जो है, बिल्कुल जीरो लाइन पे जो डेरा बाबा नानक जीरो लाइन पे करीबी है। तो इसलिए बॉर्डर बेल्ट पे तो आम नहीं खेप चलती जाती, जो प्रशासन है प्रशासन काफी सख्त रहता है। पर फिर भी ये जो अपना नशा तस्कर है, ये पाकिस्तान से माल मंगाते हैं तो पकड़ा बहुत ज्यादा जाता है, फिर भी प्रोमकेट करती करती है इन लोगों को। जी